हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। तो आज मेरे साथ मेरे दो दोस्त और हैं, ये है शारिक बीच वाला और सबसे ऊपर वाला है सोनू ना। मैं और शारिक और शादाब और उत्कर्ष हम लोग गए थे दार्जिलिंग, वहां पर हमने एक हॉरर वीडियो शूट करी थी। और मैं आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि शारिक और सोनू ना मेरे बचपन के दोस्त हैं। स्कूल टाइम पे हम लोग बचपन में साथ में थे, बचपन में ही भाई सबने चड्डी पहनना सीखा है साथ में। भाई हम तो बड़े होके पहने थे। हाँ, शारिक बचपन में चड्डी नहीं पहनता था, चड्डी पहनता था, लॉलीपॉप खाता था, बड़ी शरारत करता था। तो भाई हम लोगों ने ना एक वीडियो शूट करी थी दार्जिलिंग में, उस पर हम लोग आज रिएक्ट करने वाले हैं। उस सिर्फ इस पे नहीं, और भी वीडियोस पे रिएक्ट करेंगे, बट दिस इज द फर्स्ट वीडियो वी आर रिएक्टिंग टू। तो स्टार्ट करते हैं बॉयज, आ जाओ। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ब्लडी मैरी चैलेंज। इसने कहा कि ब्लडी मैरी करते हैं क्योंकि इसको सिर्फ वही चैलेंज पसंद है। इधर आओ भाई। शारिक ने कहा था ब्लडी मैरी करते हैं, मेरा नाम पता है। शारिक ने कहा कि ब्लडी मैरी चैलेंज करते हैं क्योंकि इसने आज तक सिर्फ वही देखा है। लाइक इसके हॉस्टल में भी काफी लोग ब्लडी मैरी चैलेंज करते हैं, है ना भाई? बट कुछ ऐसा लगा नहीं कभी ब्लडी मैरी देखते हैं। पर क्या क्या कैरी मिनाटी जैसे नहीं लग रहा थोड़ा थोड़ा शारिक? शारिक ना, हाँ हाँ भाई, तो लग रहा है कैरी मिनाटी जैसा। भाई कभी बोलता है कोई शाहिद कपूर जैसे, कभी बोलता है शाहिद कपूर भी बोलते हैं भाई। ये तुम ही बोलो। सुनो तब ये समझ जाओ कि सब तुमको चूत बना रहा है। फिर शाहरुख खान भी बोलते हैं, कुछ लोग शाहरुख खान भी बोलते हैं। मेरा करने का मेरे साथ शारिक है और दो दोस्त और हैं, उत्कर्ष, ये पहले वाला बंदा उत्कर्ष है, और ये है शादाब। शादाब भाई क्या सीन है ब्रो, क्या तुम भूतों में यकीन करते हो? हाँ भाई। शादाब डरा हुआ क्यों लग रहा है? तो इसकी शक्ल तो अली फजल जैसी तो लगती है ना सोनू, जो मिर्जापुर में जो होता है बबलू पंडित। गुड्डू पंडित, गुड्डू पंडित, सॉरी गुड्डू पंडित। हां हां, क्रेजी करते हो। इसलिए मैं सोच रहा हूं भाई आज आप हमारा लास्ट डे है। क्रेजी तो हम सोच रहे हैं कि वॉशरूम में जाके ब्लडी मैरी चैलेंज करें। गाइस अभी ना ये लास्ट डे है तो वॉशरूम में जाके ब्लडी मैरी चैलेंज करते हैं। हो रहा है तो वॉशरूम में भाई मैं ऐसे ही कर रहा हूं। मेरे साथ मेरे तीन दोस्त वॉशरूम में, क्योंकि टैप भी ऑन करना था। मैं इसका जो व्लॉग है ना वो अपने दूसरे चैनल पर डालूंगा, तो प्लीज आप जाके देख लेना। तो अभी चलते हैं वीडियो शूट करते हैं भाई, लेकिन उससे पहले हम ना अपने दोस्तों के कुछ हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस जानेंगे जो उन लोगों ने अपने साथ एक्चुअल में फील करा हुआ है, कुछ फेस करा हुआ है। तो अभी जानते हैं उनके हॉन्टेड एक्सपीरियंस, तो देखते हैं उनका क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, ये मेरा दोस्त है शादाब, ये है शुभम और ये है शारिक। उसके बाद बहुत बुरी हालत हो गई थी और उठने की कोशिश कर रहे थे, उठा नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा बॉडी पूरी फ्रीज हो गई है, पूरा पता चला था कि हाँ यहाँ पे ये है वो है, बट उठा नहीं जा रहा था भाई। ये स्लीप पैरालिसिस और किया था इसलिए उठ नहीं पा रहा था। लाइक चीज स्लीप पैरालिसिस मेरे को भी पहले हुआ, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। आप सब कुछ देख पा रहे हो, सब कुछ ऐसा फील कर पा रहे होते हो, बट आप मूव नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब ऐसे ही हुआ था क्या? हाँ, और एक और बार हुआ था बैंगलोर में जब सो रहे थे, ऐसा लगा कि पूरी बॉडी हवा में फ्लोट कर रही है। लास्ट रात है तो बताओ क्या सीन है? कैरी बाय, चलो भाई कैरी बाय, गुड्डू भैया, गुड्डू पंडित, बताओ भाई करते हैं। तो फिर टाइगर श्रॉफ भी अपना शादाब शुभम चलते ब्रो, मेरा तो फर्स्ट टाइम सीन है, तो एक्साइटमेंट है थोड़ा। शुभम कह रहे मेरा फर्स्ट टाइम है, शुभम का फर्स्ट टाइम था भाई। है रात के 3 बजे भाई, क्या हरकतें कर रहे हैं चार लौंडे। आ जाओ, कौन करे ट्राई करेगा भाई ब्लडी मैरी भाई? हाँ हम तो नहीं कर पाएंगे। कौन करेगा शारिक, तुम करोगे भाई? हाँ शारिक भाई, शारिक एकदम कैसा लग रहा भाई? अब 7 बार भी और 13 बार भी कर सकते हो तुम। ब्लडी मैरी छह पाँच से तो नहीं, मैं पॉज क्यों हो गया भाई, पता नहीं क्या हुआ भाई।
मेरे दिमाग में थोड़ा सा फोकस अचानक से मिरर में थोड़ा रह गया मेरा। हाँ ब्रो, मतलब मैं मेरे को लगा कि कहीं शायद कुछ दिख जाए। भाई ये वीडियो में चलेगा मेरे। भाई ऐसा मानते हैं कि अगर तुम कुछ भूतिया करते हुए अगर खो गए हो, तुम्हारा दिमाग अगर ऐसे खो गया है तो हेलो भाई, पीछे सिस्टम है भाई का। अरे ऐसा मानते हैं कि भाई अगर तुम भूतिया कुछ करते हुए अगर खो गए हो तो तुम्हारा तुम्हारा दिमाग भूत भटका रहा है। चलो 30 टाइम्स टैप ऑन कर लो। चलो सॉरी फॉर वेस्टिंग वाटर, सॉरी फॉर वेस्टिंग वाटर। ब्लडी मैरी, 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 भाई आवाज तो आई थी ना, एक सेकंड बोलना। वीडियो में आवाज है सुनना ना, एक मतलब पता नहीं, पहले मेरे को लगा कि किसी कुत्ते की आवाज है, बट कुत्ते की आवाज है नहीं, अलग से किसी जानवर की आवाज है भाई। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, सुनना। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी दो बार। पहले ना, पहले जैसे कुत्ते की भौंकने की आवाज आई, फिर एक और किसी जानवर की आवाज आई, वो पता नहीं कौन सा जानवर है। हमको उल्टा लग रहा, पता नहीं क्या, तुमको क्या लग रहा है? पहले किसी और की आई, उसके बाद कुत्ते की भौंकने की आवाज थी। पता नहीं भाई, कुत्ते की भौंकने की लगी, फिर दूसरे में किसी और की आवाज लगी। हमें ब्लडी मैरी बन के आई थी तुम्हारे लिए। पीछे का बाथरूम है क्या तुम्हारा? नहीं, किचन। क्या बना रहे हैं? तो जाओ किचन में जाओ। सुबह सुबह आज हम वो जला दिए यार, केटल जला दिए। कैसे भाई? पॉपकॉर्न बना रहे थे, उसमें उसमें धुआं आ गया, तो मैं क्या करूं? ओए ओए ओए, लगेगी लगेगी। ओए क्या की चाह रहे हैं क्या? All right, so guys, तो अभी हम घर से निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं ग्रेवयार्ड पे। सुभाष भाई ईशा बैठी हुई है इधर और मेरे भैया हैं। सुभाष गाड़ी चला रहे हैं। और भाई आज हम बहुत दिनों बाद ही वाली वीडियो शूट कर रहे हैं गाइस, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वहीं पे जाके पता चलेगा। भाई ईशा कैसा लग रहा है? बहुत बहुत मजेदार डर लग रहा है। मैं कभी किसी हॉन्टेड प्लेस पे गई नहीं हूँ, आज मैं जा रही हूँ। काफी लोग ना दे एक्ट एज अ मीडियम, काफी लोग ना ऐसे मीडियम की तरह एक्ट करते हैं, लाइक उनके ऊपर स्पिरिट आती है और वो ना उसके थ्रू, उस बंदे के थ्रू बताती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मतलब हम भी ऐसे दो तीन लोगों को जानते हैं जिनके ऊपर भूत आ सकता है, और जो मीडियम होते हैं, मीडियम एक बंदा होता है जिसके ऊपर ना भूत बुलाते हैं लोग और फिर भूत बात करता है उसके थ्रू, पोजेशन वगैरह ये सब जो होता है ना, ये तो होता है भूत, ये होता है भाई। मतलब होते हैं जो मतलब कुछ लोग इस चीज को एज अ वो यूज करते हैं पावर, कि उनके ऊपर स्पिरिट आ सकती है, फिर वो स्पिरिट उनके मुंह से बोलती है। भाई भाई हर हर बच्चे की स्टोरी है कि मेरा स्कूल कब्रिस्तान पे ही बना है। ये तो मॉरल स्टोरी है, ये हर जगह ये देखा जाता है भाई, हर हर कोई बोलता है कि मेरा स्कूल कब, लेकिन हमारा स्कूल एक्चुअली में था, एक्चुअली बना था। क्योंकि गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारे स्कूल के आसपास ना शमशान घाट भी था और मुस्लिम्स का बैरियल ग्राउंड भी था। तुम लोग क्या, तुम लोग कब्रिस्तान कहते हो ना, कब्रिस्तान भी था, शमशान घाट भी था, वहाँ पे एक्चुअल में वो था। और कई बार क्या होता था, सोनू याद है, शारिक याद है, हम लोग ना स्कूल में लंच के टाइम पे हम लोग घूम रहे होते थे, हमें स्कूल के ग्राउंड में हड्डियाँ मिलती थी। हाँ, ये तो हाँ, जो दूसरा वाला ग्राउंड था, हमें ना स्कूल के ग्राउंड में हड्डियां मिलती थी, और बचपन से ही हम लोगों का बड़ा इंटरेस्ट आता था इन चीजों में। भाई बहुत डर लगता था उस टाइम पे। फिर लोगों की ना स्पिरिचुअल पावर या स्पिरिचुअल लेवल, आई डोंट नो व्हाट इट्स एग्जैक्टली कॉल्ड, बट वो काफी ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से स्पिरिट उनके थ्रू कांटेक्ट कर सकती है। पहले मेरे को ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, देखना पूरा, बहुत मजा आएगा। हाउ आर यू फीलिंग ईशा? मेरे को ये सब सुनके बहुत डर लग रहा है। मैं इनको कह रही थी सब चीजें मत बोलो, यहाँ से बस हमें राइट लेके सीधे सीधे जाना है और आ जाएगा भाई ग्रेवयार्ड। वहाँ पे किसी का मर्डर हो गया था बहुत टाइम पहले, वहाँ पे मर्डर हुआ था ना, पता है ना। और लेट्स गो गाइस, तो मेरे पीछे ना एक अभी पेड़ है, उस पेड़ पे ना कपड़े बहुत सारे बंधे हुए। मैंने अपने भैया से पूछा कि वो कपड़े वहाँ पर क्यों बंधे हुए भाई,
आवाज़ सी आई मेरे को अजीब सी। मैंने अपने भैया से पूछा कि उस पेड़ पे ना कपड़े क्यों बंधे हुए हैं। मेरे भैया ने मेरे को बताया कि पेड़ पे कपड़े उनके बंधे होते जिनको यहाँ पे अगर जलाने आते ना तो उनके कपड़े यहाँ पर बांध देते हैं। आई डोंट नो व्हाई कपड़ा कम लोगों के जितना कपड़ा बंधा हुआ है उतना यहाँ पे बॉडी आया है उसका यहाँ पे संस्कार हुआ है। अच्छा उसी का कपड़ा इसमें बरगद के पेड़ में बांधा है। मैं एक बार लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखो भाई, ये ना बरगद का पेड़ है और इस पे कपड़े बंधे हुए हैं। मुझे नहीं पता भाई ये बरगद का पेड़ एक्चुअल में है कि नहीं है, बट कपड़े आप देख सकते हो उसमें बहुत सारे कपड़े बंधे हुए हैं। मैंने करा ये बट इट इज़ अ प्रॉपर क्रेमेशन ग्राउंड। तो Let us do it over here. तो guys, ये रहा मेरा EMF। ये actual में हुआ था, इसमें जो भी वीडियो में है ना, देखना। कोई भी स्पिरिट तो मेरे को साइन दे। मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है भाई यहाँ पे कस। क्या हुआ? लाइट की बंद हुई। आवाज़ आई पीछे से एक। आवाज़ सी आ रही। अगर यहाँ पर कोई भी स्पिरिट है इधर आसपास, किसी की भी आत्मा है, तो मेरे EMF मीटर में लाइट जलाओ। कोई भी लाइट जलाओ, मेरे को बताओ। इस ग्रीन लाइट के अलावा मेरे को बताओ कि आप यहाँ पर हो। आवाज आ रही है। आवाज आई तेरे को पीछे? एक बार या तो मैं थोड़ा पास से भी करके देखूं। गाइस ये रहा पेड़, मैं यहाँ पर एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ओए वो लाइट क्यों जल रही है? What the hell? भाई मैं तो कुछ बोला भी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का वो ट्रैक करता है। अगर आसपास कोई भी EMF है तो वो ट्रैक करेगा। तो स्पिरिट्स में ये माना जाता है कि उनकी जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपनी बॉडी से, मतलब अपने जो भी होता है उनका, अगर तुम्हारे आसपास से कोई भी स्पिरिट गुजर रही है तो ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर EMF थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। होस्ट वोस्ट पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं काफ़ी लोग, वो लोग ये डिवाइस लेके घूमते हैं और अगर तुम जैसे कुछ पूछोगे भी ना अगर, तो फिर वो ऐसा मानते हैं कि उस इस डिवाइस के थ्रू घोस्ट आंसर करता है। दोबारा देखता हूँ, पेड़ के पास जाके देखता हूँ अपने आप चलेगा कि नहीं चलेगा। ये देखो भाई, गाइस आई डोंट पुश। ओ मैन, चलो यहाँ से निकलो। ये अपने आप जलने लग रहा है भाई। हाँ हाँ, यहाँ पर ना किसी का मर्डर हुआ था। मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है कि नहीं है, बट स्टोरीज तो स्टोरी होती है भाई। हाँ देखो गाइस, देखते हैं भाई। लेट्स सी, इसको मैंने कर दिया है ऑन। अगर यहाँ पर कोई भी स्पिरिट है तो मेरे इस EMF मीटर में लाइट जलाओ और मेरे को बताओ कि आप यहाँ पर हो। तेरी बार बार क्यों ब्लिंक कर रही है यार? अच्छा ही देख, देख रही है? तो ये बंद क्यों हो गया? फिर से ब्लिंक हो रहा, रुक गया। अगर आपका मर्डर हुआ था तो उसमें लाइट जलाओ और हमें सिग्नल दो कि आप यहाँ पर हो। ओ भाई, और क्या पूछू मैं? बैट है वहाँ पे। ओ भाई चमगादड़ था, डॉग भी आ गया भाई। इसी टाइम पे डॉग भी दिख गया भाई। और आ गया बैट के थ्रू आपने सिग्नल दिया है कि आप यहाँ पर हो, तो ये EMF मीटर में दोबारा लाइट जलाओ। ओ भाई देखा है तूने? ईशा जल रहा, दोबारा जल रहा है दोबारा। अगर आप चाहते हो हम यहाँ से जाएं तो EMF मीटर में लाइट जलाओ। नहीं जल रहा यार, जल रहा। ईशा चलना चाहिए भाई हमें, मजे मजे में इन चीज़ों के चक्करों में पड़ के ईशा वो नहीं करना। भी लाइट चली और चार बार ये सेम चीज़ हुई है, ऐसे कैसे हो जाएगा? थोड़ा आगे लेना भैया, डोर दिखाता हूँ।
गाइस आप ये देखो भाई, याद है ये बना था भाई, ये बना था जो शमशान घाट है उसके बगल में जस्ट ये बना था, इसमें ना सोलर पैनल पे वो उससे चलाते थे इलेक्ट्रिसिटी से, वो वाला है ये देखो कितना पुराना हो, कितने पेड़ उग गए इधर, याद है उस टाइम पे कितना नया नया लगता था ये, इतने पेड़ वेड़ उग गए भाई। यही था वीडियो भाई, कैसा लगा सोनू, कैसा लगा शारिक भाई? इससे जो है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना खतरनाक है, अगर वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ करेक्ट किया गया है ना, वो लाइट जो ब्लिंक करती है तब अचानक जो आवाज आता है लगता है सही डर जाता है इंसान। रियली मुझे भी डर लग गया अभी, मैं देख रहा हूँ जब तुम सबके साथ फिर मुझे डर लग गया, ओ ये क्या, चलो ठीक है नॉर्मल है भाई। सोचो ऐसे ब्लिंक नहीं करा था, क्वेश्चन पूछने के बाद ब्लिंक करा था वो, और जब जब क्वेश्चन पूछे उससे तब तब ब्लिंक करा लाइट। ठीक है गाइज, यही थी वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। और सोनू और शारिक अगर आपको और भी वीडियो में चाहिए तो बताओ, मैं इनको लेके आऊँगा पकड़ के, और भी चीज़ें करेंगे। और अंकुर कश्यप 2.0 को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। सोनू भाई का भी एक यूट्यूब चैनल, सोनू अपना यूट्यूब चैनल बताओ। सोनू कुमार ब्लॉग्स से नॉर्मल, अभी तो उस पर हम लोग फनी वीडियोज ऐसे ही, मतलब सोनू कुमार व्लॉग्स नाम है चैनल का, मस्ती करने के लिए। हाँ सोनू कुमार व्लॉग्स जाके सर्च करो, सब्सक्राइब करो भाई को, भाई व्लॉग्स बनाता है। और वैसे अंकुर कश्यप 2.0 को जाके सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरा भी और इसके भी चैनल का डाल दूंगा मैं, ठीक है, जाके सब्सक्राइब कर लेना। और क्योंकि अंकुर कश्यप 2.0 पे मैं बहुत जल्दी ना ऐसे फनी चीज़ों पर रिएक्ट करके कॉन्टेंट डालने वाला मैं सोच रहा हूँ, और भी काफ़ी चीज़ें होने वाली, मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा उस पर। तो हाँ गाइज, यही थी वीडियो, आई होप यू लाइक डेट। और हम जल्दी लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं अंकुर कश्यप व्लॉग्स इस वाले चैनल पर, तो ज्वाइन करना। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, और बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू अंकुर फैम, बाय बाय, बाय बाय बोल दो भाई, सब्सक्राइब करना ना भूले, बिल्कुल बिल्कुल। 2.0 रोबोट वाला चल रहा क्या भाई? क्या चिट्ठी बन रहे हो क्या रोबोट का? रोबोट भाई। चलो बाय बाय, बाय बाय बोल दो बॉयज, बाय 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 बाय।